नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सर्जन जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बीएसएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड आपको फुल जानकारी दूंगा, ए टू जेड जानकारी दूंगा दोस्तों, कि फिजिकल कब होगा, हाइट वेट चेस्ट आपका कब होगा, वेट टेस्ट कब होगा और मेडिकल कब होगा, मेरिट लिस्ट कब लगेगी और ज्वाइनिंग आपका कब होगा और कितना दिन में हो जाएगा, टोटल चीज मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो सभी भाइयों को राम राम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला से। देखिए दोस्तों, फर्स्ट में आपको दौड़ कब होगा। देखिए दोस्तों, दौड़ इसके आने के चांस लास्ट अप्रैल तक है दोस्तों। लास्ट अप्रैल तक आपका फिजिकल कॉल लेटर आ जाएगा दोस्तों। दौड़ में आपको पता है दोस्तों कि जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट को वो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में मारना होगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट है जिनका 8 मिनट 30 सेकेंड 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर फीमेल कैंडिडेट को है और मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, हाइट वेट चेस्ट ये कब होगा और दौड़ आपका कब होगा। आपके पास में एक अप्रूव का मैसेज गया हुआ है ईमेल आईडी से। अगर वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा दोस्तों, कि किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किन लोगों का फॉर्म अप्रूव्ड हुआ, इस पर मैं वीडियो बना रखा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों। जिनका अप्रूव हो गया है उनके घर पे फिजिकल कॉल लेटर आएगा। फिजिकल कॉल लेटर आएगा, आने के बाद में सबसे फर्स्ट प्रक्रिया आपको कैंप में क्या होगा, हाइट का। सबसे फर्स्ट प्रक्रिया आपका कैंप में क्या होगा दोस्तों, हाइट का। हाइट जब हो जाएगा, हाइट होने के बाद में आपको ये दौड़ करवाया जाएगा। हाइट होने के बाद आपको क्या करवाया जाएगा, दौड़ करवाया जाएगा। और दौड़ आपको 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट रहेगा और फीमेल कैंडिडेट को आपको 1600 मीटर रहेगा जो 8 मिनट 30 सेकंड में मारना होगा। जब आप रनिंग जब आप पास कर जाओगे ना उसके बाद में आपका फिर से हाइट होगा, वेट होगा, चेस्ट होगा दोस्तों। रनिंग पास करने के बाद में आपको फिर से हाइट होगा, वेट होगा, चेस्ट होगा दोस्तों। और जब हाइट वेट चेस्ट में आप फिट हो जाओगे तो वही दिन आपको ट्रेड टेस्ट भी होगा। उसी दिन आपको ट्रेड टेस्ट होगा, जिस दिन आप फिजिकल देने जाओगे उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा दोस्तों। ये बात आप मान लीजिए। और उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उस दिन आपको फिजिकल के दिन टोटल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। अब दोस्तों, इसके लिए मैं, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, जिससे आप डॉक्यूमेंट में फेल नहीं हो। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो रनिंग पास कर लेते हैं, हाइट वेट चेस्ट सब पास कर जाते हैं, टेस्ट भी पास कर जाते हैं और लास्ट में वो दोस्तों डॉक्यूमेंट में छड़ जाते हैं। तो बहुत अफसोस होता है दोस्तों कि पूरा मेहनत किया हुआ पानी में हमारा चला जाता है। तो इसलिए मैं बताता हूं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट आपको टोटल चीज ले जाना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं डॉक्यूमेंट की एक वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद में अगर आप लोग का ट्रेड टेस्ट के बारे में भी अगर नहीं जानकारी है तो भी बताइएगा दोस्तों, हम ट्रेड टेस्ट के भी एक वीडियो बना देंगे डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट पे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब आप लोग हमको साथ दीजिएगा, तभी हम बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपका भाई का कुछ सपोर्ट हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। फिर रिटर्न होगा दोस्तों। देखिए, आप फर्स्ट में आपने दौड़ पास कर लिया, हाइट वेट चेस्ट आपने पास कर लिया, उस दिन आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, ये सब एक ही दिन होगा दोस्तों। ट्रेड टेस्ट भी आपने पास कर लिया, आपका डॉक्यूमेंट भी सब चेक हो गया, डॉक्यूमेंट में भी आपने पास कर लिया, उसी दिन आपको एक कॉल लेटर दिया जाएगा दोस्तों, साइन और मोहर करके बीएसएफ के थ्रू से। और वो कॉल लेटर मिलेगा, इससे आपको ये चीज़ का प्रूव होगा कि आप फिजिकल फिट हो गए, आप ट्रेड टेस्ट हो गए, फिर बाद में आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद में आपका रिटर्न का एक कॉल लेटर दे देगा दोस्तों, उसका डेट आपको नेट की सुविधा से आपको बता दिया जाएगा या घर पर कॉल लेटर चला जाएगा। तो उसके बाद में आपका रिटर्न का कॉल लेटर आएगा कि आपको रिटर्न देना है। रिटर्न पे मैंने वीडियो दोस्तों बना रखा हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आना है, नहीं आना है, इसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। अगर आपको जानकारी है तो आप मेहनत कीजिए और तैयारी कीजिए, और नहीं तो वही घर वालों का ताना, पड़ोसी वालों का ताना, सबको ताना सुनना पड़ता है, भाई नौकरी क्या चीज़ होती है, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, अगर आपको
बुक नहीं मिला है आपको नज़दीकी स्टोर में, बेस अटेंडेंट से रिलेटेड आपको अगर बुक नहीं मिला या बुक के बारे में नहीं जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बुक के बारे में भी बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको बुक नहीं मिला तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बुक ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपको रिटर्न करना, रिटर्न 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, 100 मार्क्स का होता है रिटर्न। जब आप पास कर जाओगे, रिटर्न सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको दोस्तों, रिटर्न जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तब आपको मेडिकल होगा। रिटर्न जब आप क्वालिफाई कर गए उसके बाद में आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। और मेडिकल में जब आप फिट हो जाओगे, मेडिकल में फिट हो जाओगे तो फिट होने के बाद में आपका मेरिट लिस्ट लगेगा और आपके घर पे ज्वाइनिंग आ जाएगा दोस्तों, आपकी नौकरी हो गई। और नौकरी होने का एहसास ऐसा होता है दोस्तों, दिल खुश हो जाता है जब आपको नौकरी मिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी कम से कम 30,000 इनके हैंड मिलेगा दोस्तों, 30,000 से 32,000 आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा दोस्तों। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि ट्रेनिंग में भी ये वीडियो, ट्रेनिंग में भी आपको पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको कोई और भी डाउट हो या कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, हम आपकी समस्या 100% सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी अगर दिल को अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और दोस्त के साथ भी शेयर करना, क्योंकि नौकरी ऐसी चीज़ होती है कि हर किसी का भविष्य होता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और सभी भाइयों को राम राम।